स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन द प्रीवियस वीडियो आई वॉज टीचिंग यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आई एम टेलिंग यू हियर द रूल ऑफ चेंजिंग ऑफ टेंस इन दिस वीडियो। In the previous video, I taught you when the reporting verb is in past tense, means said to ho, had said ho, was saying ho, ये past tense mainly said to ही होती है, was saying या had said ये कम होता है। तो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता था, उसको मैंने बताया किस तरह से बदला। उसका एक्सेप्शन आपने लिखा कि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर भी यदि उसका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन आदर्श सूचक वाक्य होते हैं, प्रोवर्ब मतलब कहावतें, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड इन्वेंशंस वैज्ञानिक खोजें अथवा आविष्कार, तथ्य, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे 2 and 2 make 4, और इसके अलावा टाइम क्लास में आप मालूम होना चाहिए टाइम क्लास को शो करने वाले कंजंक्शंस, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, ये कंजंक्शंस हैं। इनसे यदि सेंटेंस शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच का तब भी टेंस नहीं बदलता। अब यहाँ पर एक और रूल लिखा हुआ है कि ई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी सेज हो या सेज टू हो या फ्यूचर टेंस में विल से, शैल से हो, तो ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग डू नॉट रिक्वायर टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आगे देखें एग्जाम्पल इसका। डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ दिस बॉय सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, यह लड़का मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब ये सेज जो है ये प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, और प्रेजेंट टेंस में होने की वजह से इस रिपोर्टेड स्पीच जो डबल वर्ब कामा के अंतर्गत रखा गया है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको दिस बॉय के अनुसार प्रोनाउन ही हो जाएगा, और योर सेकेंड पर्सन है तो इसको ऑब्जेक्ट मी के अनुसार पजेसिव केस मी का माई हो जाएगा, और सेज टू को टेल्स में बदल दिया गया। सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टेल में बदलते हैं। तो दिस बॉय टेल्स मी दैट इज माई फ्रेंड, एम जो था ही के अनुसार इज हो गया। बाकी टेंस प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट टेंस ही कहा, टेंस नहीं बदला गया। अब इसमें अगला रूल है द वर्ड शोइंग नियरनेस चेंज इन टू द वर्ड शोइंग डिस्टेंस। निकटता सूचक शब्दों को, ये नियरनेस वन निकटता सूचक शब्दों को इसमें बदलते हैं दूरी सूचक शब्दों में। इस समय सूचक निकटता सूचक शब्द होते हैं समय बताने वाले, जैसे टुडे टू नाइट को बदल लेते हैं चेंज इनटू दैट डे या दैट नाइट,
टुडे को दैट डे में और टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, लास्ट को प्रीवियस में बदलते हैं, और इसके अलावा दिस को दैट में बदलते हैं, दीज को दो दिन बदलते हैं, ईयर को दो देर में बदलते हैं, और नेक्स्ट को फॉलोइंग में बदलते हैं। ये निकटता सूचक शब्द हैं। समय जैसे नाव माने अब, तब हो जाएगा, लास्ट माने पिछला, प्रीवियस हो गया, तो ये सब जो है इसमें बदल जाते हैं। ये निकटता सूचक शब्द भी सूचक है। अब कुछ अन्य रूल्स भी हैं, उन पर भी ध्यान देते हैं। जैसे लिखा हुआ है ओनली आई एंड, जब हम रिपोर्टिंग स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच जोड़ते हैं, कॉमन वर्ड कॉमा हटाते हैं, तो आई को तो कैपिटल लेटर्स बनाते हैं, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर्स बनाते हैं, लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स जो है, अन्य नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं, वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ही स्मॉल लेटर से लिखा गया है दैट के बाद में, तो ये एक चीज़ ये होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अन्य मतलब आई को ही केवल आई और प्रॉपर नाउन केवल लिखा जाता है, अन्य सभी को स्मॉल लेटर लिखा जाता है। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस मतलब होता है जब किसी को नाम लेकर बुलाया जाए, जैसे बॉयस कीप साइलेंस, तो यहाँ पर वोकेटिव केस बॉयज है। और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जैसे कम हियर बॉयज, तो उसमें जब लास्ट में बोला जाता है तो वो वोकेटिव केस, वो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस संबोधन किया जाता है उसको। आगे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे सेंटर रिपोर्टेड स्पीच, सर आया, मैडम आया, माई लॉर्ड आया, योर मैजेस्टी आया, तो ये आप इस सब ये जो है क्या होता है एक्सेट्रा वर्ड्स आर रिमूव, हट जाते हैं, और बाई पुटिंग विद रेस्पेक्ट और रेस्पेक्टफुली आफ्टर रिपोर्टिंग रिपोर्टेड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ग, रिपोर्टिंग वर्ग के बाद में ये सब हटा करके क्या कर देते हैं, विद रेस्पेक्ट लगाते हैं या रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। जैसे है द बॉय सेड टू फादर, या द बॉय सेड टू द टीचर, सर आई वांट टू रीड, क्या लाइक द बॉय टोल्ड द टीचर विद रेस्पेक्टफुली, विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली, द बॉय टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली दैट ही वांटेड टू रीड, तो उसमें जो है वो सर शब्द हटा दिया गया, मैडम हटा दिया जाता है, माय लॉर्ड हटा दिया जाता है, और मैजेस्टी राजा इत्यादि को कहा जाता है, तो उसमें भी विद रेस्पेक्ट हो जाता है, रेस्पेक्टफुली हो जाता है, तो इनको हटा दिया जाता है। और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने पर कभी कभी ऐसा होता है रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आ जाता है, तो जैसे सेकेंड पर्सन लिखा हुआ है ही सेड यू आर ए थीव, तो थीव तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जोड़ देंगे, ही सेड दैट ही वाज ए थीव, अगर यहाँ पर ये होता यू आर ए गुड बॉय, तो थीव के लिए वहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर लगा देते हैं, लेकिन गुड बॉय के लिए, अच्छाई के लिए क्या कर देते हैं, दैट आई वाज ए गुड बॉय। तो ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने पर रिपोर्टेड स्पीच अगर सेकेंड पर्सन आया उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो क्या करते हैं अच्छाई के लिए फर्स्ट पर्सन तथा बुराई के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखते हैं। तो इस तरह से आई होप दैट फॉर असर्टिव सेंटेंस आई टोल्ड यू ऑल द रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन।
Tomorrow I will meet with the rules of interrogative sentence. Till then, goodbye. Have a nice day.